जय महाराष्ट्र। मेरा नाम जुबैर खान, मुंबई महानगरीय मोर्चा का उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और आज ये सारे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है मुंबई के, और खास करके एंटॉप हिल के पांडे जी और इमरान खान साहब। यहाँ पर मैं एंटॉप हिल के एक शोर कॉरपोरेटर, जो बांग्लादेशियों को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इसके बाप ने भी बना के दिया है, और ये भी जब से कॉरपोरेटर होके आया है कम से कम 2000 से ज़्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन उनके फोटोज के साथ, उनके वीडियोस के साथ लाइव ये मैं सोशल मीडिया पे सुफियान मनु और कांग्रेस के जितने भी चोर दलाल एंटॉप हिल में रहते हैं उनके खिलाफ, यासीन शेख और पोस्ट ऑफिस एंटॉप हिल के रहने वाले, उनका घर तोड़ने वाले सुफियान मनु जो कश्मीरी मुसलमानों की बात करता है, ये चोर मुफ्ती आलिम कारी जालिम है। ये सिर्फ मुसलमान दाढ़ी टोपी और साफे का इस्तेमाल करके कांग्रेस में दलाली कर रहा है और मुसलमानों की कश्मीर की बात करता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुसलमान है उनके घर तोड़ता है। ये दोगलिया सुफियान मनु है। सुफियान मनु मुर्दाबाद, सुफियान मनु मुर्दाबाद, सुफियान मनु मुर्दाबाद, सुफियान मनु मुर्दाबाद। सुफियान मनु तुझे तेरी औकात दिखा के रहेंगे एंटॉप हिल में, अब की बार कमल खिलेगा और तेरे जैसे कौम के दलाल और मुसलमानों के दलाल मुसलमानों को भड़काने वाले तेरे को लात मारेंगे एंटॉप हिल की, और पूरी देश की मुंबई की पब्लिक भगाएगी। ये पूरे जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये बसों में पैसे दे के भर के नहीं लाया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हॉल भर गया, ग्राउंड का बाहर भर गया, रोड पूरा भरा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ईवीएम को गाली देना बंद करो। ईवीएम नहीं, ये दीवानों की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, भाई आगे बढ़ो। ये देशभक्तों की पार्टी है, भाई आगे बढ़ो। जो भी देशभक्ति, भाई आगे बढ़ो। और एंटॉप हिल में बहुत सारे बांग्लादेशी को सुफियान मनु, उसका बाप नियाज अहमद मनु, उसका भाई सलमान अहमद मनु, ये लोगों ने बहुत सारे इल्लीगल बांग्लादेशियों को वोटर आईडी कार्ड बना के दिया है। ये सुफियान मनु और उसकी टीम ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बना के दिया है और भारतीय नागरिकता दी है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। आज मुसलमान झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। ये सुफियान मनु जैसे कौम के दलालों की वजह से है। ये दाढ़ी टोपी को है ना दलाली के लिए यूज करते हैं। सबसे यही दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मैं सुफियान मनु की हकीकत आने वाले दिनों में रोजाना शेयर करूंगा कि एंटॉप हिल में इसने किस तरीके से, इसने, इसके भाइयों ने, इसके चाचा ने, इसका ये वंशवाद के शिकार है। कांग्रेस की नस्ल है ये लोग, ये मुसलमानों को बर्बाद करने वाले हैं। आज देश